जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 4 सितंबर है और अभी टाइम हो गई है 7:30 और SGX निफ्टी कुछ 25-30 पॉइंट ऊपर है। तो चलिए आज की बात करते हैं, क्योंकि नया वीक आज स्टार्ट हुआ है, न्यू वीक हैज स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक टुडे। तो जैसा कि आज नया वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, और सबसे पहली खबर है कि आज US मार्केट बंद है लेबर डे के उपलक्ष में, वहाँ पे बंद आज छुट्टी रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर है दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि क्रूड ऑयल काफ़ी बॉइलिंग तरीके से बढ़ रहा है, और जो NYMEX क्रूड है वो $85 के ऊपर निकल चुका है, और जो ब्रेंट क्रूड है जो इंडिया इंपोर्ट करती है ब्रेंट क्रूड, वो $90 के आसपास हो चुका है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक खबर है। तीसरी बड़ी खबर है कोटक महिंद्रा बैंक के CEO साहब ने इस्तीफा दे दिया है। चौथी बड़ी खबर है बॉन्ड यील्ड जो है वो 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 4.90 पे अभी भी बरकरार है, एक चिंताजनक बात है। तो ये सब है चिंताजनक। अब आज एक खुशियों की बात करते हैं। खुशियों की बात ये है कि आज डाउ जोन्स बंद है, तो आज और ज़्यादा मनमानी करेंगे हमारे देश के ऑपरेटर्स। और आपने देखा पिछली वीक में FIIs ने 5,000 करोड़ के आसपास सेल किया है कैश मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में 10,000 करोड़ के आसपास DIIs ने इनफ्लो लाया है, कैश इनफ्लो डाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को कैश मिला है इन स्पाइट ऑफ द मनी बीइंग पुल्ड आउट बाय FII टू द क्वांटम ऑफ 5,000 करोड़। ठीक है, स्टिल मार्केट गॉट 5,000 करोड़ अराउंड कैश इनफ्लो इन नेट। तो ये है खबरें। अब आ जाते हैं मेरी एनालिसिस की बात। तो देखिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले दिन हम डाउ जोन्स के बिना शुरुआत करेंगे, कि डाउ जोन्स से आज कोई क्लू रहेगा नहीं। अब डाउ फ्यूचर चालू रहेगा, लेकिन ऐसा कोई, तो सबसे पहले फोकस रहेगा आज बैंक निफ्टी पे, क्योंकि कोटक की एक न्यूज़ है। तो मुझे तो लगता है कि कोटक में अगर कुछ गिरावट आती है 3-5% की, तो मैं उसको बाई करना चाहूँगा डेफिनेटली। ठीक है, अब आज के लिए फिगर्स क्या है। देखिए दो फिगर को आप याद रखिए नीचे की तरफ के, 19,300 स्पॉट हमारी क्लोजिंग है 435 की, 435 की हमारी क्लोजिंग है फ्राइडे की, 435 की। 300 अगर टूटे तो बिल्कुल आप लॉन्ग्स काट के सावधान हो जाइए। शॉर्ट कब करना है, 200 टूटे तब। 19,300 अगर टूटे तो आपको लॉन्ग्स काट लेना है, सावधान भी हो जाना है। और शॉर्ट कब करना है, 19,200 टूटे। ये पूरी वीक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी वीक के। बैंक निफ्टी में 44,200 टूटे, 44,200 टूटे लॉन्ग्स काट लीजिए, और 44,050 टूटे शॉर्ट मार दीजिए। ये आपको मैंने नीचे के लिए बताया। अब आ जाइए ऊपर के लिए। ऊपर के लिए देखिए निफ्टी में 19,625 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको रहना अभी तेजी में ही है, लेकिन 625 क्रॉस कर दे तो एग्रेसिव तेजी करनी है। फिर 19,625 अगर क्रॉस कर दे तो तेजी एग्रेसिव करनी है। हमको रहना आज तेजी में है, लेकिन नीचे के लेवल इसलिए बताया कि 300 कट गया
तो आपको लॉन्ग से निकल जाना है, 200 टूट गया तो शॉर्ट भी मार देना। वैसे बैंक निफ्टी में 44,200 टूट गया तो लॉन्ग से निकल जाना है, 44,050 टूट गया तो शॉर्ट भी मार देना। लेकिन रहना हमको दोनों चीज़ में लॉन्ग में है। अब ऊपर के लेवल सुनिए, 19,625 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, 625 के ऊपर और निकले तो और एग्रेसिव हो जाना आपको शॉर्ट में, लॉन्ग में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भरपूर आएगी उसके बाद, ठीक है। ये मुझे लगता नहीं है 625 के ऊपर टिक पाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। वैसे ही बैंक निफ्टी में 44,675 को क्रॉस करे तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। रहना आपको लॉन्ग में, लेकिन 44,675 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 44,675 ये सारे स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ। डोंट इंडल्ज दिस लेवल इन फ्यूचर्स एंड गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। तो ये आपके लिए। अब आ जाते हैं, देखिए मैंने आपको याद होगा कि 16 अगस्त को एक ग्रुप स्टार्ट किया था ऑप्शन राइटिंग की, जिसे मैंने बोला था 10 लाख की कैपिटल लगानी हो, क्योंकि आपको पता एक एक लॉट अगर हम शॉर्ट करते तो 1.5 लाख का मार्जिन लगता है। और मैंने देखा है, आज मैं आपसे एक शेयर करता हूँ अपनी नॉलेज जो इतने साल की मैंने निचोड़ निकाल के देखा है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप खेलते हो तो आपकी पोजीशन अगर लॉस में है तो इंट्राडे में ही निकल जाइए, वर्स्ट केस में सेकेंड डे निकल जाइए, लेकिन निकल जाइए, तब ऑप्शन बाइंग में आप सफल होंगे। अगर आपकी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन, चाहे आप पुट बाई की हो चाहे कॉल बाई की हो, अगर वो लॉस में पहले दिन तो निकल जाइए, अगर आपकी ज़्यादा खुजली है कि भाई एक दिन और देखूंगा तो अगले दिन ज़रूर निकल जाइए अगर लॉस में। अगर प्रॉफिट में, कोशिश करिए शाम को बुक करके जाए, कल वापस खरीद ले, नहीं तो आप कैरी भी कर रहे हो तो फिर अपना कॉस्ट को स्टॉप लॉस डाल के रखिए। ये तरीका ऑप्शन बाइंग करके खेलने का, ये कोई भी अपनाता नहीं, वो तो जो ले लेता बस सो जाता, उसका जीरो होता है। तो मैंने देखा जो ऑप्शन सेलर वो हमेशा कमाते, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाल दी, ऐसी रिसर्च कर दी कि ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस होने का संभावना 0.09% है और कमाने का चांसेस 99.1% है। कि मैंने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर और तब जाके मैं ये फैसला किया। तो अभी जो हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था उसमें 10 लाख के कैपिटल से मतलब स्टार्ट किया था, ऑलरेडी हम 67,000 रुपीस प्लस में हैं, और जो हमारे 4 या 5 सौदे खड़े वो सारे प्रॉफिटेबल खड़े पेंडिंग वाले, क्योंकि मैं एट ए टाइम 6 लॉट से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक लॉट की मैं मार्जिन 1.5 लाख गिन रहा हूँ। और मैंने वादा किया इसमें 4 लाख मिनिमम साल की कमाई अगर नहीं होती है तो आपकी फ़ीस पूरी वापस। अब मैं ड्यू टू ह्यूज सक्सेस ऑफ दिस, मैं 17 अक्टूबर 2023 जो मेरा जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन है, 17th अक्टूबर 2023, तो उस दिन के लिए मैं ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ यही वाली ऑप्शन राइटिंग की, जिसमें मैं ये फैसला किया हूँ कि यहाँ मैं 4 लाख की बजाय 6 लाख का एश्योरेंस दूँगा, अगर नहीं होता है तो फीस वापस, 5.99 भी प्रॉफिट हुआ तो फीस वापस। और ये ऐसा करके दिखाने वाला शायद हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में मैं पहला शख्स रहूँगा जो इतने दावे से एक चीज़ करके दिखाने की ताकत भी रखता, खाली बोल नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान है कि किस और ऑप्शन राइटिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कॉल ऑप्शन को राइट कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन नहीं भी किया तो चलता है, लेकिन कभी भी पुट ऑप्शन किसी का भी राइट करो, चाहे निफ्टी का करो, चाहे बैंक निफ्टी का करो, चाहे किसी स्टॉक का करो, तो अगर उसको ओवरनाइट कैरी कर रहे हो राइट करके, तो हमेशा एक थोड़े दूर का पुट एज ए प्रोटेक्शन हमेशा लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए कि रातों रात अगर कोई वर्ल्ड वार हो गया या कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई तो गिरने में स्पीड बहुत तगड़ी रहती है, बढ़ता कोई भी ऐसा बहुत कम दिन आएगा ये निफ्टी एक दिन में 1,000 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा दिन कई आ सकते हैं जिस दिन निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर के खुलेगा, ठीक है। और उसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी पुट राइट करो तो ऑलवेज विथ ए प्रोटेक्शन, यानी कि थोड़े दूर का एक पुट बाई भी करके चलो। लेकिन जब कॉल राइट करते हो और जो तुम्हारी नॉलेज है अगर है
तुमको पता ही ऑलमोस्ट टॉप पे है, तो वहाँ राइट करने में आपको एडिशनल बेनिफिट क्या होता है। सपोज किसी स्टॉक का दाम आज 1100 रुपये, ठीक है, और हम अगर 1150 का कॉल 23 रुपये में शॉर्ट कर रहे हो उस कॉल उस स्टॉक का, तो एक्चुअली हमने उसको शॉर्ट किया 1173 में एज फ्यूचर के हिसाब से। तो जब तक उसकी प्राइस 1173 नहीं आती तब तक आपको लॉस होने का सवाल ही नहीं। तो बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, जो 23 रुपये आपको प्रीमियम मिला दैट इज योर मैक्स प्रॉफिट। मगर हम लोग कितना कमाते, फ्यूचर खेल के भी कितना कमा, तो मैंने सब निचोड़ निकाल के आई फाउंड दिस। सो उसकी अगर डिटेल चाहिए 9635476788 पे आप ज्वाइन करना चाहोगे तो यू विल गेट रेस्ट ऑफ द डिटेल्स देयर। और अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डालना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी रिप्लाई। और प्लस जो ऑप्शन बाइंग की इंट्राडे ग्रुप स्टार्ट किया था वो भी जबरदस्त फर्स्ट डे रहा, 1 तारीख को स्टार्ट किया, उसके बाद तो 2-3 को छुट्टी थी, आज 4 तारीख, 1 तारीख के पहले दिन में ही लोगों ने चमत्कारिक कमाई की, भोलेनाथ का आशीर्वाद है और आज दिन भी भोलेनाथ का। दैट्स इट, मैं इतना ज़्यादा बोल चुका हूँ कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सभी को, जितने भी व्यूवर्स हैं इस चैनल के, उन सबको दिल से दुआ देता हूँ कि पैसे की बारिश हो आपके घर में। अगर हाँ, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि 21 जुलाई के पहले 2 से 2.5 महीना मैं पूरी तरह से रॉन्ग हुआ था, उस समय कुछ गलती ये हुई थी कि 16830 से जो रैली चली थी, 16825 से वो 19900 तक चली जाएगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैं 18000 के करीब, 17800 के करीब शॉर्ट में आ गया। तो ये गलतियाँ अब मैं नहीं करने वाला हूँ, आगे मैं लेवल्स देख के ही बात करने वाला हूँ। तो अभी के मैंने आपको सारे बता दिए, आगे के लिए इतना याद रखिए, इस चैनल को भी देखोगे भी तो अगर आप कोई सर्विसेज नहीं भी लेते हो, सिर्फ देखते भी रहोगे तो भी आपके 80-90% लॉस ईजिली कवर हो जाएंगे देख देख के। बस जो जो मैं बोलता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना और थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर यूज़ करना। कभी भी याद रखिएगा, अगर इस एक सत्य वचन को आप सुन लो कि लॉस में लंबा कभी खड़ा मत रहो, चाहे आपको भगवान भोलेनाथ ने खुद आके बोला है कि ये पक्का बढ़ जाएगा, तो भी निकल जाओ। लॉस को रबड़ की तरह खींचो मत, खींचना तो प्रॉफिट को रबड़ की तरह खींचो। इस सत्य वचन को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे एंड वंस यू नो द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस इन टाइम, यू विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन द स्टॉक मार्केट एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।